अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खुर्रम तुफैल, आप देख रहे हैं रेड बॉक्स न्यूज़। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से कराची में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने को है तैयार। इस हवाले से तफसीलात से आपको आगाह करते चलें कि मॉनसून हवाओं का नया सिलसिला 16 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा। शहर में मंगल तक जुमेरात गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इतवार को शहर का मतलब बेशतर वक्त अब्र आलूद, जबकि कुछ मकामात पर साफ रहा। कई इलाकों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी, फुहार का सिलसिला भी जारी रहा। गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ जिना टर्मिनल पर 1 मिलीमीटर, जबकि ओल्ड एयरपोर्ट पर 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। साबिका मानसून सिस्टम्स के तहत शहर में 16 अगस्त की दोपहर तक हल्की और दरमियानी चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक शुमाली बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन हवा के कम दबाव में तब्दील होकर वहाँ मौजूद है। राजस्थान पर मौजूद हवा का कम दबाव कमज़ोर होकर फैलाव की सूरत में मौजूद है। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक एक और हवा का कम दबाव 16 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा, जिसके तहत 16 से 18 अगस्त के दौरान कराची में मूसलाधार बारिशों के सबब नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। देही सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में आज दरमियानी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, बतीन, ढट्ठा, सजावल, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगर, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, दादू, नुशेरो फिरोज, जामशोरो, कंबर शहदादकोट, लाड़काना और सखर में भी मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए रेड बॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेड बॉक्स ज़रूरी है।